ए व्हाट्स अप पीपल, गुड मॉर्निंग। सो टाइम हो गया एक्चुअली में 6:40। एक्चुअली में सीन ये था कि मुझे ना यार 3:30-4 बजे मुझे निकलना था, और यहाँ का जो गार्ड है, गार्ड को भी मैंने बोल दिया था कि देखो ऐसा भैया सुबह गेट खुला, तो उन्होंने ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जगा देना। बट द सीन वॉज की आई वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड 5:30 बजे जब उठा तो आई थॉट कि चलो अभी निकलते हैं। देखा मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज है, ओनली 20% चार्ज था। सो अब जा करके मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है, ऑलमोस्ट 90% हो गया है। आज पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मेरा फ़ोन चार्ज होने में, और धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया सो रहे हैं इधर एक लोग, तो इसीलिए है क्योंकि दूसरे रूम में आया हूँ ना, अपने रूम में नहीं हूँ। सो द सीन इज़ कि अभी चलो निकलते हैं फटाफट से, और काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गया है, तो आज जो है ना आज गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि धूप में तो मैं पता है हालत ख़राब हो जाती है मेरी। सो या लेट्स ट्राई माई बेस्ट कि यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचें, बट उम्मीद है मतलब 7 बजे निकलेंगे तो 12 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हमें। मेरा बैग वैग सब रेडी है, बस मुझे जैकेट उठानी है, ईयरफोन उठाने, और चलो। अभी का अपना प्लान कुछ इस तरीके से है कि यार अभी चलेंगे अपन, पहले चाय पियेंगे चल के कहीं, और उसके बाद में निकलेंगे। वैसे अभी जैसे ही बाइक निकाली हल्का हल्का सा ठंडा लगा है। वैसे यार चाय यहाँ कहाँ मिलेगी इस टाइम पे? अरे मिलेगी ना, ये देखो बेरोजगारी, बेरोजगार टी स्टॉल मस्त एकदम भाई। तो भी टाइम हो गया भैया, एग्जैक्ट 7 बज गए हैं, और अपनी ये वाली चाय जो है ना जो अभी पी है, ये वाली एक्चुअली में अपन को अलीगढ़ पीनी होती है। जब जितनी बार गया हूँ अलीगढ़ ही पीता हूँ, क्योंकि 6:30 बजे तक मैं अलीगढ़ पहुँच जाता हूँ। बेसिकली कायदे में मुझे इस टाइम पर जो है ना अलीगढ़ क्रॉस कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, सोना भी ज़रूरी है, और प्लस दूसरी चीज़ सर्दी से बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइनर वगैरह है नहीं अभी कुछ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज पहुँचेंगे 12 बजे तक, 12:30-12 बजे तक। चलो लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग हो गई है जी। ओम विश्वान देव सप्तार दुरातन प्रासुवेद भद्रम तन्ना सो नमो नमः। ओके सो दिस इज अ प्रेयर फॉर लाइक सनराइज, जब जब सनराइज होता है तो उसकी प्रेयर है ये। एंड या लेट्स गो, लेट्स रोल। चलो जी, अभी हमारा मीटर हो रखा है 500 किलोमीटर एग्जैक्ट, तो लेट्स सी पहुंच के हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर की हमारी टोटल राइड होने वाली है, क्योंकि आज मैं शॉर्टकट से निकल रहा हूँ। यार दिन हो गया तो शॉर्टकट से ही निकलेंगे, क्यों फालतू में इतना लॉन्ग कट लेकर के चलो। सो या लेट्स गो एंड लेट्स रोल। ये एक्चुअली मैं गांव वाले रूट से जा रहा हूँ, क्योंकि ये ना ये मुझे शॉर्टकट में पड़ता है, और डायरेक्टली जाकर के मुझे हाईवे पे मिल जाएगा जो टोल प्लाजा रहेगा। टोल प्लाजा पे तो मेरा काफ़ी बच जाता है, लगभग 10-15 किलोमीटर मेरा बच जाता है। सो मस्त एकदम। और भाई साहब एक डिसीजन जो मतलब वो गलती से हो गया सही, दैट इज़ कि मैं सुबह नहीं निकला, नहीं तो बेटा लग जाती। अभी मेरे हाथों में ठंडी लग रही है और पैरों में भी। भाई साहब अच्छा हुआ रात को नहीं निकला, बट कोई नहीं, जैसा भी है जो भी है। और ये वाले जो पेड़ है ना, ये इसको हमारे यहाँ तो देखो वो बोलते हैं, ओ फक, हमारे यहाँ बोलते हैं देखो इसको पतार, ठीक है। इससे सेटा बनता है, मतलब लकड़ी एक बनती है, और इसी से जो इसी से मतलब टोकरी वगैरह भी बनाई जाती है, काफ़ी सही चीज़ है। बट हमारे यहाँ यार मिलता नहीं है, सबने यार काट कूट दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारा खड़ा हुआ था। अभी अपने किधर जाना है, किधर जाना, किधर जाना है? लेफ्ट 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 लेफ्ट। यार गलती से मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्चुअली में मुझे टोल प्लाजा पे नहीं निकाला उस वाले रोड ने, उस वाले रोड ने निकाला है आकर के मुझे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। ये जो ऊपर जो है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ये शायद मेरठ से चलता है और ये बुलंदशहर होते हुए पूरा जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। टोल प्लाजा भी वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यहाँ से आई गेस 3-4 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। सो या बट फिर भी हमारा अराउंड अराउंड 10 किलोमीटर तो बचाया ही, 10 से 12 किलोमीटर इस शॉर्टकट ने भी, मस्त एकदम। और अभी जो है चलते हैं फटाफट से, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप सामने आ रही है ना। बट यार एक चीज़ है पता है यार, सर्दियों में ना ये हेलमेट के वाइज़र के ऊपर फॉग जमना ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब सांस लेते हैं सांस निकालते हैं तो उस टाइम पे वाइज़र के ऊपर यार फॉग जम जाता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लग रहा है हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटी फॉग वाले जो हेलमेट आते हैं, वाइज़र एक्चुअली में चेंज करना पड़ेगा, हेलमेट नहीं एंटी फॉग वाइज़र लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा है, अब नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोल ही नहीं रहा, लास्ट टाइम बोला था मेरे साथ ऐसी तैसी हो गई, मैं नहीं बोल रहा, मैं अब करके दिखाऊंगा सीधा।
जस्ट रीच टोल प्लाजा, और ये आई गेस कौन सा वाला है, इसका नाम नहीं पता मुझे, ये आई गेस दादरी वाला है, जो भी नाम है। बट यहाँ पे पता एक चीज़ बड़ी सही रहती है, यहाँ पे तुम्हें टैक्स नहीं देना होता, मस्त आराम से बाइक वालों को साइड से निकालो और निकल जाओ। चलो एक्सप्रेस वे पे यार टैक्स लगता है पूरा भाई, 200 रुपये का नोएडा से आगरा जाने का, यहाँ पे बढ़िया आराम से साइड से निकालो और निकल जाओ फटाफट से, केवल गाड़ियों को देना होता है टैक्स। दिस इज गुड थिंग, दिस इज वन ऑफ द लाइक जो प्लस पॉइंट है बाइक राइड करने का, गाड़ी वाड़ी भी चलाओगे तुम्हारी जी फट जाती है बेटा टैक्स भरते भरते, समझे। सो या लेट्स गो, लेट्स रोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बज गए देखो भैया 8:30 और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बेजे ढाबा जो है इधर अलीगढ़ अभी नहीं पहुँचा हूँ, अराउंड मैंने 70 किलोमीटर किया है तो यहाँ पर रुका था, चाय वाय पी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। ठंड तो नहीं छूटी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, आई डोंट नो पता नहीं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद से बॉडी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं काफ़ी वीक हो गई थी, और जिसकी वजह से अभी जो है ना ठंड वगैरह लगना चालू हो गई है। वैसे मुझे इतना नहीं लगती है, अगर आपने पहले के अगर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, बट कोई नहीं, आई विल बी बैक, मतलब बॉडी की भी इम्यूनिटी अच्छे से लेकर के आऊँगा, डोंट वरी। सो अभी फ़िलहाल देखो ठंड लग रही है तो लग रही है, चलो निकलते हैं यार, चाय वाय पी करके हो गया, अब लगभग 20 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पर, आराम से बैठा था, अभी भी पूरा एकदम काँप रहा हूँ। चलो निकलते हैं यार, अब कहीं भी नहीं रुकना है भाई साहब, काफ़ी टाइम हो गया है यार, बताओ अभी तक केवल मैंने कितना 70 किलोमीटर कर पाया है। चलो निकलते हैं, अब जो है अब ब्रेक लूँगा तो अब उधर लूँगा चल के सिकंदरा राव के आसपास में, नहीं तो नहीं कोई ब्रेक नहीं लूँगा। लेट्स गो, लेट्स हिट द रोड एंड लेट्स रोल। चलो जी अलीगढ़ पहुंच गया, मतलब अलीगढ़ में क्रॉस करके आ गया हूँ बाईपास, और अभी यहाँ से ये एक्चुअली इस साइड से आता है अलीगढ़ के अंदर से रोड, और जिससे मैं आया हूँ ये है बाईपास, यहाँ रुकना तो है नहीं अपने को, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गया 9:30 हो गया, एंड किलोमीटर अपने हो चुके हैं भाई साहब 130, बेसिकली मेरे रूम से 130 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ चलो बढ़िया, अब यहाँ से बस कुछ रोड हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पे ये वाला रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, चलो जी अपना ये GT रोड यहाँ से देखो भैया ख़त्म हो गया, हमें जो है सर्विस लेन लेकर के नीचे चलना है और फिर अपना पुराना वाला रोड आ जाएगा। 8:00 पहुँच चुके हैं, हैं ये वाला कट नहीं है, चलो जी यहाँ से अपना अलीगंज कितना रह गया, आई गेस 57 और 60 किलोमीटर रह गया है, मोर 60 किलोमीटर्स टू गो, और अपना हो गया है 194 किलोमीटर हो चुके हैं एक्चुअली। चलो निकलते हैं, बाइक धुलवा ली जाए, अभी तक बाइक धुलवाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि रूम वगैरह ढूंढते टांते रहते ना, बाइक हो गई है गंदी, तो इसके लिए बाइक धुलवा दें फिर चलते हैं। मैं पहुंच गया अलीगंज ही पहुंच गया हूं मैं, बस धुलवाने के लिए रुका हूं, अराउंड 10 मिनट हो भी गए मुझे पहुँचोगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहुँच गए भैया
टाइम हो गया 12:30, मतलब 12:35 हो गए, आराम से पहुँच गए। और यस, ये पूरा का पूरा इधर बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, और नीचे वाला जो बेसमेंट है उसके अंदर भी सेम कंप्यूटर लैब बनी हुई है। तो मतलब इस वाले जो फ्लोर है, ये वाला ऊपर वाला एक्चुअली पूरे मकान का पूरा हॉल था, तो इसके अंदर अराउंड 70-80 इसके अंदर कंप्यूटर सेट होंगे, और नीचे जो लैब है उसके अंदर 35-40 उसके अंदर कंप्यूटर सेट होंगे। सो बेसिकली 110 के आसपास की लैब बनेगी, जिसके अंदर मस्त आराम से जो कंप्यूटर जो CCC वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसका सेंटर बनेगा यहाँ पे। सो यस, इसी चीज़ का काम चल रहा है अभी, इधर कारपेट वगैरह पूरा बेच के, मतलब ये वाला जो है ना ये काम फाइनल हो गया है पूरा एकदम, कारपेट वगैरह बेच के पूरा काम एकदम फाइनल हो चुका है। अब नीचे थोड़ा बहुत काम बचा है, वही चल रहा है बाकी का। चलो यार घर निकलते हैं, मैं बस यहाँ पे इसलिए रुका था ताकि देख लें क्या चल रहा है, सारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलो जी चलते हैं, घर पे भी काम ही हो रहा है एक्चुअली में, और यहाँ पे पहले भी पुताई का ये पूरा काम खत्म हुआ, घर अब घर पे चलना है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जो पूरा हॉल था ना बाहर वाला, इसमें पूरा ऑफिस बना हुआ है इनका, ये दो ऑफिस बने हैं, एक ये रहा ऑफिस, एक इसके बराबर वाला रहेगा। और ये जो नीचे बेसमेंट था इसके अंदर भी पूरे में कंप्यूटर लैब बनी हुई है, ये अपना रहने के लिए हो गया अंदर साइड में मस्त एकदम। तो अभी इसमें जो कलर होता है ना, इस प्रीमियर होता है, क्या होता है प्रीमियम जो भी होता है, वो सब हो रहा है, कलर हो रहा है। चलो अपन यहाँ से निकलते हैं, अपना कोई काम नहीं है यहाँ पे।